ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 13/5/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। सतगुरु बार की मुरली। परम शिक्षक, परम सतगुरु बेहद के बाप ने, रूहानी परम शिक्षक ने आज हम बच्चों को मुरली में कौन से ज्ञान रत्न दिए, कौन से बातों को बाबा ने, महावाक्यों को, ईश्वरीय महावाक्य जो हम आत्माएं सुनते हैं, तो कौन सी बात हमसे बाबा ने कही, कौन सी छोड़ना है, कौन सी अपने में धारण करना है, मुरली में सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठी बच्चे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। अनुभव करते हैं कि हमें तीसरा नेत्र मिला है और हम ईश्वरीय गोद में हैं। प्रश्न है, अद्वैत राज जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? अद्वैत राज्य माना जहाँ कोई लड़ाई, कोई दुख, कोई अशांति, कोई अप्राप्ति ना हो, जहाँ कोई दूसरा धर्म, अनेकता ना हो, एकता हो, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, योग बल। योग बल अर्थात याद का बल, याद से ही हमारे में जौहर भरता है। तो योग बल, बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। बाहुबल जिसे कहते हैं, जिसमें हाथों में शस्त्र आदि रख देते हैं और शस्त्र आदि रख के खून नाहक नदियां बहा करके समझते हैं कि इससे फिर शांति होगी, तो वह तो हो ना सके। जहाँ अद्वैत नहीं, जहाँ देवी देवताओं के हाथ में जो शस्त्र आदि दे दिए हैं, तो देवी देवता तो अहिंसक परमो धर्म कहते हैं, तो देवी देवता कैसे किसी की हिंसा कर सकते हैं, कैसे राक्षसों का खून बहा सकते हैं? वो तो आपके अंदर ही, जो हम अकासुर बकासुर हैं, वह हमारे अंदर ही आत्मा में है, जिन्हें योग बल से समाप्त करना है। उसमें कोई शस्त्र आदि की उठाने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं, कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना नहीं हो सकती बाहुबल से। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है, जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन, मैं आत्मा। यह शरीर हमारे ऑर्गन्स है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ। दूरंदेशी आत्मा है, दूर देश का रहने वाला हमारा बेहद का बाप। क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म गिलानी दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं शिव बाबा आइए, क्योंकि वह सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है। परछाया किसकी? परछाया अर्थात रावण की छाया, विकारों की छाया, जो कि हमारी नहीं है, है ना? तो परछाया पड़ी है माया रूपी रावण का, इसलिए सब दुखी पतित हैं, पुकारते हैं रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। कहते भी है ना, कबीर इस संसार में मिलिए सबसे धाय, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए।
तो मनुष्य रूप में आता हूँ, मेरा आना दिव्य अलौकिक है, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। ईश्वर अवतरित होते हैं, ईश्वर कुख मतलब जन्म गर्भ से नहीं लेते हैं, माता के गर्भ से नहीं होते हैं, है ना, उनके माता नहीं है। भक्ति काल में एक गीत गाया करते थे, श्री राम की माता कौशल्या है, श्री कृष्ण की माता यशोदा है, श्री जो शिव शंकर की माता इस जग में नहीं, ऐसे गाया करते थे। कैलाशपुरी का रहने वाला ऐसा गाया करते थे। फिर कई कई ऐसे कहते थे कि सीता का भी कोई माता नहीं है, ऐसे हल चलते हुए नीचे से वो पैदा हुई। इस तरह से भक्ति काल में अलग अलग तरीके के कीर्तन गाया करते थे, गीत गाया करते थे। तो देखिए भक्ति काल में जो बातें लिखी हैं वो कुछ ना कुछ आभास भासना तो है। आप जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं तो इतने सुंदर, इतना मनमोहक, इतने मन को मोहने वाले बनाते हैं, क्योंकि भासना है कि वो प्योर आत्माएं थी, प्योरिटी पवित्रता निर्विकारी थी, इसीलिए उनकी भासना देवी देवताओं के चित्र में इस तरह से अपने आप ही आपका जाता है। बनाने का जो चित्रकार है उसके जो अंतर मन में जो कल्पना होती है उसे ही वो चित्रों में बना करके उभारता है, और उसको ऐसा अनुभव करते हुए ही उसको कलर आदि जो श्रृंगार करते हैं वो इस तरह से डालते हैं। तो देखिए ये भासना है क्योंकि उसमें वैसा था, वो प्योरिटी वाले थे, निर्विकारी थे, किसी को दुख नहीं, सिर्फ दाता भाव होता था देवताओं में, है ना, लेने की भावना नहीं होती थी। लेकिन वो कैसे थे या कैसे हैं या कैसे होंगे वह तो सिर्फ एक मात्र कल्पना है। यो नहीं कि चार भुजाएं और इस तरह से कुछ होगा या शस्त्र आदि हाथों में रखे रहेंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी चाहे राक्षस हो तो उसके दशीस नहीं हो सकते, ना ही उनके सर पर सींग उगेंगे। हम आदम में जो मनुष्य आत्माएं हैं उनके दो सिर तो नहीं होंगे, 10 सिर तो हो नहीं सकते, वही दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पैर, एक मुख, एक नाक, इस तरह से ही होगा उनके फीचर्स। हाँ हम कहते हैं जैसे कि किसी ने कहना चाहिए कि दुराचार करते हैं, कोई किसी तरह का सदैव उल्टा सीधा ही बोलते हैं, कड़वे मुख से बोल बोलते हैं, किसी को खूब आत्मघात करते हैं, खूब बातें बुरा भला कहते हैं, तो कहते हैं ना ये तो बिल्कुल राक्षस जैसा है। तो आपके गुण अवगुण, आपके देवी गुण देव आत्मा, आपके आसुरी गुण असुर वाले गुण हुए तो आप राक्षस कहला गए। इसमें कोई ऐसा तो है ही नहीं है कि उसके 10 शीश होंगे और तीसरा नेत्र निकला रहेगा, उगा रहेगा, या देवी देवताओं के 4 हाथ होंगे, 8 हाथ होंगे, है ऐसा तो नहीं है ना। तो इस तरह से बाबा हमें समझाते हैं कि जो निराकारी रूप है, तो बाबा कहते हैं मैं आता भी हूँ बूढ़े तन में, साधारण बूढ़े तन में आते हैं। तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। निराकारी रूप साकार में आते हैं ना, तो ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है, कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे बाप कहते हैं। बाबा कहते हैं मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूं। राजराजेश्वरी बनते हैं ना, तो राजयोग सिखा रहा हूं। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है, कलयुग से सतयुग को बनाने आता हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, रचता और ये सब रचनाएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाबा कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी अलग और नारायण अलग। लक्ष्मी को यदि आप आगे खड़ा करेंगे और उनके दो हाथ पीछे, नारायण को तो लक्ष्मी नारायण, 4 हाथ हो गए,
यदि आगे में नारायण पीछे में लक्ष्मी तो नारायण लक्ष्मी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये दो अलग हैं। बाबा कहते हैं कि जो ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो होती, बाबा कहते विष्णु द्वारा पालना, तो ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल कर आया है। लक्ष्मी नारायण अलग अलग, बाबा कहते हैं बाबा फिर से रूप बदल कर आया है। वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सर्वशक्तिमान पिता, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। जो सत्य पिता आकर के सत्य ज्ञान दे करके सचखंड की स्थापना करते हैं, सदगति दाता है ना। हम आत्माओं का सत्य बता करके हम आत्माओं की, सर्व आत्माओं की सदगति कराने वाला सत्य ज्ञान, ज्ञान का सागर, ज्ञानदाता, और सुप्रीम गुरु भी है। तो गुरु कब करते हैं? सदगति के लिए ही तो करते हैं हा? और टीचर भी जो हमें आकर के पढ़ा रहे हैं, हमें एजुकेटेड कर रहे हैं। अनएजुकेटेड है ना सभी हा? तो बाबा कहते हैं इस तरह से सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है ना। और बाप तो है ही सर्वात्माओं का। तो यह तो बाप और टीचर गुरु तीनों हैं हाँ। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि एक में ही सब है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो दो मम देव देव हाँ, गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर कहते हैं। तो इस तरह से सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता, कोई भी गुरु को सुप्रीम नहीं कहा जाता है। यह तो बाप और टीचर गुरु तीनों हैं। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल भेज देते हैं, वो गुरु बन करके पढ़ाते तो नहीं है ना, वो तो पालना देते हैं, एक एज होती है जब फिर स्कूल भेज देते हैं। कोई बिरला होगा जो बाप टीचर भी होगा, कोई बिरला ही होगा जो लौकिक जीवन में टीचर बन करके पढ़ाता होगा, तो यह कोई कह ना सके। यह सब बातें बाबा कहते, सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, गॉड फादर कहती हैं। हाँ तो गॉड फादर कहती हैं तो फिर फादर कहना माना ऐसे तो नहीं है कि गॉड फादर कहती हैं तो सब आत्माएं उसे ही पुकारती हैं, तो वह आत्मा का फादर हो गया। यह गीत भी भक्ति मार्ग का है। सतयुग में तो माया होती ही नहीं, जो पुकारना पड़े वहां कोई दुख आसक्ति अप्राप्ति होती नहीं है। शरीर निर्वाह के लिए इवन आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं रहती है ना। इसीलिए फिर बाबा कहते हैं कि वहां कोई पुकारता नहीं है, क्योंकि दुख लेश मात्र, रिंचक मात्र भी दुख की छाया, पर छाया नहीं पड़ती ना विकारों की। तो इस तरह से बाबा कहते हैं जो पुकारना पड़े वहां, तो वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5,000 वर्ष का चक्र है, आधा कल्प सतयुग 3 दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। सतयुग 3 दिन है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष अर्थात एक पक्ष आधा 15 दिन का होता है ना, ऐसे ही ये 2500 वर्ष का आधा कल्प, माना आधा आधा, शुक्ल पक्ष अर्थात सुख के दिन, कृष्ण पक्ष अर्थात रात अर्थात दुख। तो आधा कल्प सुख, आधा कल्प जो है दुख सुख में बटा हुआ है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो आधा कल्प सतयुग 3 दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। जब दिन होती है ना तो रात नहीं होती है, और जब रात होती है ना तो दिन नहीं होता है, इकट्ठा नहीं हो सकता। जब रावण राज्य होता है ना तो राम वहां नहीं हो सकते, और जब राम राज्य होता है तो रावण वहां हो ही नहीं सकता। जबकि यहाँ ऐसे ही बताया है ना, शास्त्रों आदि में ऐसे ही लिख दिया ना। एक तो कृष्ण को द्वापर में ला कर खड़ा कर दिया, और ऊपर से राम रावण को एक साथ कर दिया हा? तो
तो राम रावण को एक साथ नहीं, हाँ ये जरूर है कि रावण राज्य में राम को आकर के नई दुनिया की स्थापना करना पड़ता है, वो भी संगम युग पर, है ना। नरक में ही तो स्वर्ग की स्थापना होगी, तो नरक में आकर के ही तो स्वर्ग बसेगा, स्वर्ग में आकर स्वर्ग कैसे कोई बसाएगा, है? तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह नॉलेज तो इनको भी नहीं थी, लक्ष्मी नारायण को। हाँ, तो जब भक्ति मार्ग, बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को तो यह ज्ञान नहीं था, अभी तुम संगम पर हो, है ना। बाबा कहते हैं दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है और अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा होता है ना। तो भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है, यह ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिल रहा है। कलयुग में व सतयुग में यह ज्ञान किसको भी होता नहीं है, इसकी प्रारब्धि प्राप्ति होती है और ज्ञान यहाँ ही इस संगम पर ही खत्म हो जाएगा। सतयुग में ये ज्ञान साथ में नहीं जाएगा, क्योंकि कर्मातीत बनने के बाद हर एक मनुष्य आत्मा जब खुद को आत्मा निश्चय कर लेगा तभी कर्मातीत होगा। सिर्फ और सिर्फ खुद को आत्मा, चैतन्य आत्मा शक्ति देखना खुद को, कुछ भी दूसरी बातों का उसमें अंदर में रहना चाहे कुछ, तो ये ज्ञान वहां नहीं जा सकता। यदि ज्ञान वहां चला जाएगा तो फिर संगम युग की बात ही नहीं आएगी ना, देवी देवताओं के साथ ज्ञान तो जाएगा नहीं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं जो तुमको फिर पूरा बाबा हम में सम्मुख बैठ होकर के समझाते हैं। बाबा कहते हैं कलयुग में व सतयुग में यह ज्ञान किसको भी होता नहीं है, इसीलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गवाते हो। सूर्यवंशी जब रहते हैं तो महाराजा महारानी, और जब चंद्रवंशी बनते हैं तो राजा रानी, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से फिर आधा कल्प के बाद जो तुम यह राज्य गवाते हो, यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है, तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। अभी है रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती है, कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते हैं। कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, तो घनघोर काली अंधियारी रात के बाद कृष्ण का जन्म होता है सतयुग के में, आदि में, है ना, प्रिंस बनता है ना। तो बाबा कहते हैं शिवरात्रि भी गाई जाती है, कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का री इनकार्नेशन होता है। बाबा कहते हैं ऐसे बाप का दिवस कम से कम एक मास मनाना चाहिए शिवरात्रि को, जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं उनका हॉलीडे भी नहीं मनाते हैं। हॉलीडे नहीं मनाते हैं ना शिवरात्रि का, क्योंकि जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको ले जाता हूँ, अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का, बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं तुम आत्मा ना अंगुष्ठ मिसल हो ना अखंड ज्योति मिसल हो, तुम तो स्टार हो बिंदी मिसल। मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरी महिमा ही अलग है, मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। उनका कोई डायरेक्टर क्रिएटर नहीं है, हम सबके ऊपर में डायरेक्टर क्रिएटर है। तुम आत्मा शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, यह लोन लिया हुआ है। बाप समझाते हैं तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है, आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते हैं हे भगवान।
हे रहम दिल बाबा, रहम करो, रहम मांगते हो क्योंकि वह पाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटीफुल है, एवर प्योर है, नॉलेजफुल है, है और ब्लिसफुल भी है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है, मनुष्य को यह महिमा दे नहीं सकते। बाबा कहते हैं सारी दुनिया पर विल्स विल्स करना यह बाप का ही काम है, वह है रचयिता, बाकी सब है रचना। और रचना से रचना का रचना द्वारा रचना को वर्षा नहीं मिल सकता, रचता के द्वारा रचना को वर्षा मिल सकता है। बाप का वर्षा भाई से काका से नहीं मिल सकता है, बाप का वर्षा बाप से ही मिलता है। तो हम रचनाओं को, आधार मूर्त को, अपने अनुज को भक्ति काल से पूजते आए हैं, जबकि वो तो रचता की रचनाएं हैं, देवी देवता, गॉड गॉडेस। तो गॉड की रचना लॉर्ड बने तो उनको हम अपना भगवान मानते आए, तो वो तो आधार है ना, तो उनके द्वारा तो हम वर्षा नहीं प्राप्त कर सकते, सुख नहीं मिल सकता है ना। तो बाबा कहते हैं वह है रचयिता, बाकी सब है रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। यह बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है, और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि हो जाती है, तब राजाई होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो योग बल से, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो बाहुबल से, कभी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकता। बाबा ने समझाया है क्रिश्चियन भी, क्रिश्चियन में इतनी ताकत है वह आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य पाए, यह लॉ नहीं कहता, ड्रामा में यह कायदा नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। यूं तो देखिए साइंस ने ही कितना ऊपर चांद सितारों पर अपना घर बनाने की बात करते हैं, कितना राइफल, कितने ये विनाशी के जो बॉम्ब्स आदि हैं, जो कहना चाहिए कि जेट बनाए हुए हैं, जो लड़ाई के लिए विमान तैयार किए हैं, या कितना भी कितना ऊपर चले जाएं, लेकिन जो शांति आत्मा को चाहिए, जो विश्व शांति चाहिए, जो आत्माएं सुख की, शांति की, प्रेम की चाहत रखती हैं, वह तो असंभव है, क्योंकि ये बॉम्ब, ये साइंस जो अपना पावर इकट्ठा कर रहा है, वो तो सिर्फ और सिर्फ विनाश के कार्यों में ही सफलता दिलाएगा। तो बाबा का कहना है कि साइलेंस की पावर से ही स्थापना हो सकती है, साइंस की या बाहुबल की शक्ति से तो सिर्फ विनाश ही संभव है। अपने अनुज को मारने का, या जो भी वो सब इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो यूं तो रखने के लिए नहीं कर रहे होंगे ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने, यह तो कायदा ही नहीं है ड्रामा में, है ना। बाप समझाते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है, वहां कोई पार्टीशन नहीं है, धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य, यहाँ है अनेक राज्य। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को यह राजयोग सिखाता हूँ, कृष्ण की आत्मा सीख रही है। कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था, वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने, यह बच्चों को समझाया है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म
विनाश होने हैं जरूर। एक धर्म की स्थापना हो जाएगी, भारत ही 100% 100% साल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे, उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न, पहले पहले पवित्र थे, अब अभी पतित बने हैं, फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं यह कोई को पता नहीं है। बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो, स्त्री और पुरुष। इसीलिए फिर राखी का बंधन, अर्थात सिर्फ धागा बांधने की बात नहीं है। सबसे सादा पवित्रता, प्योरिटी का जो बंधन, भाई बहन का जो रिश्ता, भाई बहन का जो कहना चाहिए कि जो दिखाया जाता है आइडियल, या जो भी कहा जाता है बंधन जिसे कहते हैं, वो सबसे प्योर बंधन रक्षा बंधन है ना। इस तरह से अंदर में आपके संकल्प का व्रत करना, पवित्रता का व्रत करना आपस में, है ना। तो यह कोई को पता नहीं है, बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य यह तुम्हारे लिए है। बाबा कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, ज्ञान से हमें क्या और भक्ति और वैराग्य कैसा? तो ज्ञान से दिन होता है, फिर भक्ति से रात होती है, और वापस जब भक्ति से वैराग्य होता है तो ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान की प्रारब्धि प्राप्ति से हम सुख भोगते हैं, है ना। उसे हम प्रैक्टिकल में धारण करते हैं ज्ञान को, और ज्ञान की प्रारब्धि प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं यह तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती हैं और किसी की तरफ देखते नहीं, नंस होती है ना। अभी वह तो क्राइस्ट को याद करती हैं, कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है, तुम तो आत्मा हो। बाबा कहते हैं नन बट बन, नन बट बन, है ना। बाबा कहते हैं कि आत्मा की प्योरिटी, आत्मा की सफेदी, आत्मा को विकारों से दूर रखना, विचारों में श्रेष्ठता, है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं जो तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं, तुम तो आत्मा हो। नन बट वन, कोई को याद करना है, सच्ची नंस तो तुम हो। तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है, उनको याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है मामी कम याद करो। आत्मा का निश्चय ना होने कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद करती हैं। गॉड कौन है यह नहीं जानते हैं। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को यह सृष्टि का ज्ञान थोड़े ही है ना, वह त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो, तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो, तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत ही खास है, दुनिया की आम तुम रूहानी सेवा करते हो, बाकी वह तो है जिस्मानी सोशल वर्कर वर्कर्स, तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। यह तुम्हारा इस मृत्युलोक का अंतिम जन्म है। मृत्युलोक मुर्दाबाद, अमरलोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं अच्छा, और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर, मुझ एक बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं, हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे।
पुण्यात्मा, पापात्मा, देवात्मा, लेकिन परमात्मा कहते हैं हम आत्माओं से, एक है। पुण्यात्मा बन जाएंगे, तुम मनुष्य से देवता बनते हो, यह नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं, रावण फिर श्राप देते हैं, यह है खेल। बाबा कहते हैं भारत की ही कहानी है, यह बातें बाप ही समझाते हैं, कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है, इसलिए गॉडफादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, विल्सफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं, तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, अर्थात आत्मा पूज्य से पुजारी बनती है, आत्मा ही पूज्य पुजारी है। यह भगवान के लिए नहीं है, वह तो है ही एवर प्योर, वह पूज्य से पुजारी नहीं बनता, वो तो है ही सबसे टॉप, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से भगवान के लिए नहीं है, तुम भारतवासियों की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अव्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए। व्यभिचारी और अव्यभिचारी, अव्यभिचारी माना जब हम उतरते हैं चंद्रवंशी में तो शिवालय सबसे पहले होते हैं, बाद में ये सब और ऐड होते गए, देवी देवताओं की फिर पूजा करते रहे, है ना। तो फिर नीचे उतरते आए, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। बाबा कहते हैं जो थोड़ा पढ़ते हैं वह प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, कल्प पहले मुआफिक, कोई नई बात नहीं, नथिंग न्यू। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं, प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। ईश्वर के लिए इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं होता वो, इनडायरेक्टली करते हैं। हमें परमात्मा जिसे भगवान, भगवान की याद में रह करके हम वो दान पुण्य लेकिन आधार लेते हैं किसी के, डायरेक्टली नहीं होता है, है ना। डायरेक्टली कनेक्शन तो हमारा संगम युग पर ही हमें जब पता चलता है, वो खुद का नॉलेज आकर के देते हैं, तभी हमारा डायरेक्ट संबंध और सब कुछ हमें पता चलता है कि असल में मैं कौन, मेरा कौन, है ना। तो यह सब जो करते हैं भक्ति मार्ग में, ईश्वर अर्थ दान करते हैं, तो वो इनडायरेक्टली हुआ, क्योंकि क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या, या तो कहते हैं कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पण अर्पणम, है ना, क्योंकि हम उनको ही मन में रख करके करते हैं। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, बाबा कहते हैं एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको 21 जन्म का वर्षा देने, मेरे अर्थ डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्रारब्धि प्राप्ति तुमको हो जाती है। देखिए अब महावाक्यों में भी बाबा ने कह दिया कि धनी के नाम करेंगे तो आपको ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, और मनुष्य मनुष्य के लिए करेंगे तो फिर वो है अल्पकाल का सुख होता है, जैसे कि इस जन्म में कुछ आपने मंदिर इस तरह से कुछ हॉस्पिटल आदि स्कूल आदि खोल दिए तो वो आपको अल्पकाल के लिए मिलेगा, एक जन्म के लिए, है ना। लेकिन यहाँ तो परमात्मा के नाम से करेंगे, परमार्थ के लिए करेंगे तो फिर उसका आपको 21 जन्मों के मिलेगा। बाबा कहते हैं इनडायरेक्ट करने करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाप समझाते हैं यह तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल कर लो। तुम यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहां से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे, इनसे बहुत इनकम होती है। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। बाबा कहते तो घर घर में ऐसा यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ, बड़ा आदमी है तो बड़ा खोलो, जहां बहुत आ सके, बोर्ड पर लिखा दो जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं। बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं, इस समय सभी इम्प्योर हैं, प्रकृति तमो प्रधान,
दुनिया तमो प्रधान विकारी तन विकारी आत्माएं सब कुछ है ना, पतित तन, तो सब कुछ बाबा क्या कर देते हैं, प्योर बना देते हैं, क्योर है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं ना, बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। इस समय सभी इम्प्योर हैं, सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए, मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है, खास भारत आम सारी दुनिया से की सेवा करनी है। दूसरा बाबा ने कहा अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है, रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने हैं। वरदान में बाबा ने कहा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्व गुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजय भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना है, मैं फलानी हूँ यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनसे कोई भी गुण की कमी नहीं रहती, जो सर्व समर्पण कर सर्व गुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजय भव का वरदान देते हैं। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है, मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। ओम शांति, ओम शांति।